सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नोट्स को और लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी ड्राइव को हाइड करना होगा तो आप उसे कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, देखिए जैसे कि हमारे मान लीजिए बहुत सारे सीक्रेट डेटा होता है, ठीक है, वो इमेज फाइल हो सकता है, टेक्स्ट फाइल हो सकता है, ऑडियो वीडियो हो सकता है, और हम चाहते हैं कि वो जो फाइल है किसी दूसरे पर्सन के हाथ में ना लग पाए, तो उसके लिए हम उस ड्राइव को लॉक करते हैं या उस फाइल को हाइड करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। बट अगर आप किसी ड्राइव में आपका इंफॉर्मेशन, अगर आपको पूरे ड्राइव को ही हाइड कर देना है तो आप कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रवि भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल नोट्स। सो फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि यहाँ माई कंप्यूटर में ओपन कर रहा हूँ, तो माई कंप्यूटर पे मेरे पास यहाँ पर चार ड्राइव हैं, देखिए सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव और जी ड्राइव। अब जैसे कि देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा जी ड्राइव है, जी ड्राइव के अंदर मान लीजिए हमारे कुछ ऐसे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस ड्राइव को मेरे को हाइड करना है, मतलब कोई दूसरा पर्सन फिर हमें यहाँ ओपन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो माई कंप्यूटर ओपन करेगा तो उसको फिर केवल ये तीन ड्राइव दिखाई देंगे, ये वाला ड्राइव दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसा करना है तो कैसे कर सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। इसके लिए देखिए आपको करना क्या है, बहुत ही आसान प्रोसेस है, सिंपल। आपको माई डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप पे यहाँ आपको मिलेगा माई कंप्यूटर, तो माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको मैनेज, तो आपको यहाँ मैनेज पे क्लिक कर देना है। मैनेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे, देखिए कंप्यूटर मैनेजमेंट का एक विंडो ओपन हो गया। कंप्यूटर मैनेजमेंट की विंडो में आप सबसे लास्ट में देखिए कॉर्नर में आपको यहाँ दिखाई देगा डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको क्लिक करना है डिस्क मैनेजमेंट पे। तो डिस्क मैनेजमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जितने भी डिस्क ड्राइव हैं, देखिए जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव और जी ड्राइव, तो सारे के सारे ड्राइव की लिस्ट यहाँ दिखा दे रहा है, साथ में उसका साइज भी दिखा दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए बता रहा है कि कौन कितने कितने साइज का है, ठीक है, कितना परसेंट यहाँ बता रहा है, फ्री स्पेस कितना है, कितना परसेंट की फेज बता रहा है कि कितना परसेंट खाली है, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाता है। अब आप देखिए यहाँ पर सी ड्राइव को आप हाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सी ड्राइव के अलावा आपके कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव्स हैं आप किसी भी ड्राइव को हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था जी ड्राइव का मान लीजिए मुझे हाइड करना है तो कैसे कर सकता हूँ। तो जी ड्राइव को हाइड करने के लिए सिंपली आप जी पे क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए, ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं चाहे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, देखिए यहाँ भी राइट क्लिक कर सकते हैं या तो यहाँ नीचे आप जी ड्राइव पे देखिए यहाँ पर भी राइट क्लिक कर सकते हैं, तो आपको ये सेम ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जाना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ, ठीक है। तो चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके ड्राइव का नाम होगा, जैसे देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है, जी ड्राइव, तो ड्राइव का नाम दिखा रहा है जी ड्राइव, तो ऐसे आपको नाम दिखाएगा। वैसे ही आपको डी ड्राइव को करना होगा या ई ड्राइव को करना होगा तो यहाँ डी या ई ड्राइव दिखाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस ड्राइव को सेलेक्ट करने के बाद रिमूव बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर परेशान मत होइएगा कि जैसे कि मैं इस ड्राइव को रिमूव कर दे रहा हूँ तो जो मेरा डेटा रहेगा वो रिमूव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो डेटा आपका वहीं रहेगा, जी ड्राइव में ही रहेगा, बस इस ड्राइव के नाम को हम यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं। मतलब ये जो माई कंप्यूटर पे ये जो लिस्ट खुल रहा है ड्राइव का, तो यहाँ पर से मैं जी ड्राइव को लिस्ट को ही रिमूव कर दे रहा हूँ, तो जिससे जो जी ड्राइव है वहाँ पर आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको देखें, सेलेक्ट किए, देन यहाँ रिमूव बटन है, आपको रिमूव बटन पर क्लिक करना है। देखिए यार तीन चीज़ें हैं, मैं आपको तीनों का कॉन्सेप्ट को बताऊँगा, अभी मैं रिमूव करना बता रहा हूँ। तो सेलेक्ट किए देन रिमूव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि आप अगर उस ड्राइव पे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं तो फिर आप उस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं ड्राइव लेटर को तो यस में क्लिक करिए, नहीं करना है तो नो में क्लिक करिए। तो आप सिंपली आप यहाँ पर यस में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जो एप्लीकेशन रहे, जो ड्राइव है, देखिए यहाँ पर से नाम हट गया ना, न्यू वॉल्यूम जी था तो जी यहाँ से हट गया, तो ये जो जी ड्राइव है वो लिस्ट में से रिमूव हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, माई कंप्यूटर पे ओपन करिए, देखिए अब आपको यहाँ पर केवल तीन ड्राइव ही दिखाई दे रहा है, सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव, जो यहाँ जी ड्राइव था वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप आसानी के साथ किसी भी ड्राइव को रिमूव कर सकते हैं। अब मेरे को कहा कि मुझे उस ड्राइव को वापस से लाना है, अगर आपको उस ड्राइव को वापस से लाना है तो कैसे कर सकते हैं,
देखिए उसे अगर आपको वापस लाना है तो बहुत ही आसान तरीका है, जिस ड्राइव को आपको रिमूव किया है आप उस ड्राइव पे क्लिक करिए। देखिए ड्राइव दिखा रहा है न्यू वॉल्यूम, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेम फिर से वही प्रोसेस करना है, चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ, आपको वापस से इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे अभी यहाँ पर देखिए जी ड्राइव दिखा रहा था तो आपने उसको रिमूव कर दिया, अब आपको करना क्या है ऐड, ठीक है, तो ऐड में क्लिक करिए। तो ऐड में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर साइन दी फॉलोइंग लेटर ड्राइव लेटर, ठीक ना, मतलब जो भी आप उस ड्राइव लेटर में साइन करना चाहते हैं, मतलब ड्राइव का जो भी नाम देना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहले ड्राइव का नाम क्या था जी, तो मैं जी ही रहने दे रहा हूँ, आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ओके बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो जो ड्राइव रहेगा वो वापस से ऐड हो जाएगा लिस्ट में। फिर देखिए माई कंप्यूटर पे आप जाएंगे, माई कंप्यूटर पे जाने के बाद आप देखेंगे तो अब देखिए आपके पास वापस से चार ड्राइव आ गए और जो आपका डेटा उसके अंदर सेव था वो डेटा आपका एज इट इज़ उसी में सेव रहेगा, ठीक है, वो डेटा आपका यहाँ से रिमूव नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी ड्राइव को आसानी के साथ डिलीट कर सकते हैं, आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। और उसमें एक ऑप्शन और था, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ई ड्राइव है, ठीक है, ई ड्राइव में क्लिक किया, ई ड्राइव में देखिए नाम दिखा रहा है, रिमूव करना है तो रिमूव किए, ऐड करना है तो ऐड किए। एक और बटन है चेंज, तो आप सेलेक्ट करके चेंज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ना आप ड्राइव के नाम को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए मैं किस ड्राइव को सेलेक्ट किया हूँ, ई ड्राइव में, तो ई ड्राइव का नाम दिखा रहा है ई। अगर आप चाहते हैं ड्राइव का नाम चेंज करना है, मान लीजिए मुझे ड्राइव का नाम रखना है क्यू, तो मैं क्यू सेलेक्ट किया, देन ओके, देन यहाँ बोल रहा है कंटिन्यू करना है, यस। देखिए अब माई कंप्यूटर में गया, अब आप देखिए ड्राइव का नाम यहाँ पर देखिए डी के बाद यहाँ पर क्यू नाम से एक ड्राइव बन गया, ठीक है। देखिए क्यू नाम से ड्राइव बन गया, मतलब ड्राइव का नाम चेंज हो गया, बाकी जो आपके इन्फॉर्मेशन थे वो सेम टू सेम एज इट इज इंस्टॉल होगा, बस ड्राइव का नाम चेंज हो गया। सो फ्रेंड्स ऐसे आप यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में राइट क्लिक करके जो आपको ये ऑप्शन मिलता है चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ, तो इसकी हेल्प से आप किसी भी ड्राइव को रिमूव कर सकते हैं, उस ड्राइव के नाम को चेंज कर सकते हैं और उस ड्राइव का पाथ मतलब उसे हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियोस को लाइक कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल नोट्स को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।